जनपद मुरादाबाद के बिलारी पुलिस ने फर्जी एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये सभी आरोपी फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ बैंकों के अलग अलग एटीएम भी रखते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों निकेश कुमार पुत्र चरित्र सिंह निवासी ग्राम एकनाथ थाना हिजुआ जिला नवादा बिहार एवं राकेश पुत्र धर्म सिंह निवासी शांतिनगर थाना बरगढ़ कुरुक्षेत्र हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 एटीएम, 7 आधार कार्ड, 4 मोबाइल, 69,120 रुपए सहित आदि माल बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि बिलारी थाने में एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ था जिसमें एटीएम बदलकर पैसे निकाले गए थे, जिसमें बिलारी पुलिस की चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका नाम निकेश और राकेश है। राकेश हरियाणा का रहने वाला है। इन दोनों ही अभियुक्तों के पास से लगभग 20 एटीएम बरामद हुए हैं। ये दोनों ही अभियुक्त भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनके एटीएम बदलकर पैसा निकाल लेते थे। ये दोनों ही अभियुक्त शातिर किस्म के हैं और इनके द्वारा एटीएम से जो भी पैसा निकाला गया है उसकी जांच की जा रही है। दोनों ही आरोपियों द्वारा बताया गया है कि इनका एक गुरु बिहार का रहने वाला है जो इन्हें ट्रेनिंग देता है और ये दोनों आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला? ये थानाध्यक्ष बिलारी द्वारा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एटीएम बदल करके पैसे निकालने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान दो लोग पकड़े गए हैं, एक ये निकेश है, दूसरा राकेश। निकेश बिहार का रहने वाला है, राकेश हरियाणा का रहने वाला है। इनके कब्जे से करीब विभिन्न बैंक के 20 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और इनके द्वारा भोले भाले लोगों को झांसा देकर उनके एटीएम कार्ड बदल करके पैसे निकाल लिए जाते हैं और ये बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी इनके विरुद्ध जो भी अभियोग पंजीकृत हैं और जिन लोगों के एटीएम का इनके द्वारा मिसयूज़ किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ये? हमारे पास अभी बरामदगी में करीब 20 एटीएम मिले हैं। हालांकि इनके द्वारा मात्र बताया गया कि हमने 4-5 मामले इस तरह किए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इस संबंध में और जांच की जा रही है। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये बता रहे इनका कोई गुरु है जो बिहार से है ही है और उसके द्वारा ही इनको प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। सर, ये जो एटीएम कार्ड चोरी बदलते ही थे, क्लोनिंग भी करते थे इसकी? नहीं, ये बदलने वाले हैं। ये बदलने अपराधी कितने हैं? इस संबंध में जानकारी की जा रही है। चूंकि ये जितने एटीएम कार्ड हैं जिनके चोरी हुए हैं उनके साथ किस तरह की घटना घटित हुई है हमारे द्वारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके जानकारी की जाए। और लोग फरार कर गए थे? नहीं, इसमें दो ही लोग थे। अभी तक के पूछताछ से इनमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष अगर इनके साथ ही होंगे तो उसकी भी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है। थैंक यू।